हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज हम थ्री एफ्स की बात कर रहे हैं यानी थ्री एफ़ तीनों ही स्टॉक एफ से स्टार्ट होते हैं और ये जैकपॉट कॉल रहेगी तीनों ही काउंटर्स पे आप अपनी नज़र बनाइएगा सही समय आने पर इसमें आप निवेश करेंगे तो तीनों ही काउंटर आपको शानदार मुनाफा देंगे लंबी अवधि में या मध्यम अवधि में और ये जैकपॉट कॉल ऐसे ही नहीं है तीनों ही काउंटर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है बिजनेस बहुत बढ़िया है फिलहाल कंसल्टेसन मोड में चल रहे हैं आ, और अगर आपने सही समय का इंतज़ार किया सही लेबल्स ट्रैक किए तो आपको ये तीनों स्टॉक बहुत ही शानदार दुगने तिगने रिटर्न दे सकते हैं कौन से हैं तीन एफ़ इनके बारे में चर्चा करते हैं पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा लेबल्स को ध्यान रखिएगा तुरंत बाइंग के लिए मत दौड़िएगा कोशिश कीजिएगा कि ट्रैकिंग लिस्ट पर लगाई तीनों ही काउंटर को एक प्राइस टारगेट के लिए अलर्ट लगाइए कि अगर उस प्राइस पे आता तो आपको एक अलर्ट आ जाए कि स्टॉक अब प्राइस पे आ चुका है जहां पर आप उसमें पोजीशंस को बना सकते हैं हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है इसीलिए आप लोग भी अपने एनालिसिस कीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर जो प्लानर है उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही स्टॉक में निवेश कीजिएगा तो चलिए बात करते हैं तीन काउंटर्स कौन थे नंबर एक फिनोटेक्स केमिकल्स ये केमिकल और स्पेशलिटी सेक्टर का स्टॉक है एफ इसका शॉर्ट नेम है जो कि इसका स्क्रिप्ट नेम भी है फ़िलहाल 37 सेवन के रेट पर चल रहा है ये काउंटर और 37 सेवन के रेट पर जब हम आपको याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम इस काउंटर को आपको सजेस्ट किया था अराउंड ट्वेंटी नाइन से थर्टी रुपीज़ के लेवल पे ये काउंटर चलता था और इसने सितंबर से लेके जनवरी मंथ तक फोर मंथ में ही लगभग वन जीरो सिक्स का लेवल टच किया था अगेन ये काउंटर थर्टी सेवन के रेट पर है फिलहाल और मुझे लगता है कि यहाँ से इस काउंटर के अंदर डाउन साइड फिर से बहुत सीमित है काउंटर थर्टी थ्री थर्टी फाइव के लेवल तक या वापस अगर थर्टी सेवन थर्टी के लेवल तक भी आता है तो आप समझ सकते हैं इस काउंटर में जो डाउन साइड है वो केवल मात्र पाँच से सात रुपए का है थर्टी फोर इसका बहुत ही क्रूशल सपोर्टेबल रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टेबल रहेगा थर्टी फोर रुपीज़ का और थर्टी फोर रुपीज़ से ये रिवर्सल भी शो कर सकता है यानी कि यहाँ से केवल तीन रुपए का ही नेक्स्ट डाउन सेट बचा है मैक्सिमम मुझे लगता है और यहाँ से आप हर डिप पर अगर काउंटर में एड पोजिशन बनाते हैं तो ये काउंटर फ़िलहाल जो इसका गिरने का रीज़न है वो क्रूड के दाम मेन चीज़ है जो जिसकी वजह से ये काउंटर गिरा जितने भी केमिकल और स्पेशलिटी सेक्टर के काउंटर्स गिरे थे या ऑयल सेक्टर के या पेट्रोकेमिकल सेक्टर के स्टॉक गिरे थे वो सभी क्रूड की वजह से गिरे थे क्योंकि जो लास्ट जून से सितंबर तिमाही रही है उसमें क्रूड के दाम बहुत ऊँचे गए थे और क्रूड फिनोटेक्स केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल की वजह से महंगा होने की वजह से इसकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हुई जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिस डिक्रीज़ हो गए और यही कारण था कि काउंटर में एक गिरावट देखने को मिली दबाव आया मार्जेंस पर और फिलहाल काउंटर थर्टी के रेट पर हमें दिखाई देता है यहाँ से जो अगर आप डाउनसाइड रिस्क मानेंगे तो तीन आ, चार से सात रुपये का मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क है बट अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इसमें ज़बरदस्त है मुझे लगता है कि ये थ्री टाइम्स मुनाफा अगेन दे सकता है वापस अपना हाई वन ज़ीरो सिक्स का लेवल टच कर सकता है जो कि इसने लास्ट जनवरी में टच किया था इस काउंटर में आप अपनी पोजिशन को बना के रख सकते हैं आप पैंतीस रुपये चौंतीस रुपये जो भी लेवल्स आपके आते हैं उसमें हर डिप पर एस आई पी कीजिए जोड़िएगा का काउंटर्स को अपने एड पोजिशन बनाइए समय स्टॉक काफ़ी लोअर लेवल पर चल रहा है और आप देख सकते हैं लो हाई जो वीकली चार्ट है इसमें लोअर लो लोअर हाई मेंटेन कर रहा है और यहाँ पर कहीं जाके अप अब काउंटर और गिरावट से बच रहा है यहाँ पर कंसोलिडेशन ले रहा है इस इस पोजिशन पर आके और यहाँ से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है कि जिस प्रकार से क्रूड के दाम भी नीचे आ रहे हैं रुपी भी अब रिकवर हो रहा है और ये दोनों ही फैक्टर अगले दिसंबर क्वार्टर के जो रिज़ल्ट इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल सकता है और वहां से इस काउंटर में आपको एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द फिनोटेक्स केमिकल्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी अब इस काउंटर के अंदर तीन से पाँच रुपए की अगर बहुत से बहुत गिरावट आती है तो वो आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस काउंटर में अपनी पोजिशन को इनक्रीज करने का अपनी पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करने का सो दोस्तों नंबर वन एफ फिनोटेक्स केमिकल जो कि आपको मालदार बनाएगा बहुत पैसा कमा के करेगा इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रख सकते हैं हर टिक पर दूसरा फ्यूचर कंज्यूमर दोस्तों फ्यूचर कंज्यूमर भी एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है फ्यूचर ग्रुप का स्टॉक है और फिलहाल यह अगर हम बात करते हैं एफएमटीजी एम सेक्टर में ये स्टॉक काम कर रहा है इस समय कंसोलिडेशन चल रहा है काउंटर में लगभग फोर्टी नाइन रुपीज थर्टी पैसा लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस काउंटर के लिए आप वेट कीजिएगा लगभग थर्टी सेवन से फोर्टी रुपीज के लेवल का फिलहाल फोर्टी नाइन रुपीज़ थर्टी पैसे का रेट चल रहा है अगर थर्टी सेवन से फोर्टी रुपीज़ के बीच में ये काउंटर आपको मिलता तो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा फ्यूचर कंज्यूमर्स के लिए ओके तो आप जल्दीबाजी में अभी फ़िलहाल ना खरीदें वेट करें कंसोलिडेशन का सैंतीस से चालीस रुपये यानी थर्टी सेवन से फोर्टी रुपीज़ के बीच में अगर काउंटर आपको मिलता है डेफिनेटली ऐड कीजिए एस आई पी बना के रखिएगा अगले तीन से पाँच सालों में ये काउंटर आपको यहाँ से टेन टाइम तक का रिटर्न दे सकता है यानी कि जो स्टॉक आज फिफ्टी रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा है वो अगले पाँच सालों में आपको फाइव हंड्रेड तक का भी नज़र आ सकता है ये आप याद रखिएगा तो ये स्टॉक आप हर महीने एस बनाइए हंड्रेड टू हंड्रेड शेयर्स की बहुत ज़्यादा महंगा काउंटर नहीं है दोनों ही काउंटर अगर बात करता हूँ फिनोटेक्स कैमिकल्स हो तो गया या फ्यूचर uh, कंज्यूमर होगा दोनों ही काउंटर्स ऐसे हैं चुकी अगर आप हंड्रेड रुपीज़ की एस बनाते हैं मंथली चार्ट पे तो दो, दोनों ही आपके थाउजेंड टेन थाउजेंड से भी कम का जो है वो खर्चा इन दोनों ही स्टॉक्स में रहेगा सो हंड्रेड शेयर्स पर मंथ का एस बनाइए सैंतीस से चालीस रुपये का बेस्ट बाइंग प्राइस रहेगा फ्यूचर कंज्यूमर्स में इसका जो रजिस्टेंस लेवल है फिलहाल वो फिफ्टी थ्री रुपीज़ का है फिफ्टी थ्री को क्रॉस करेगा दिन नेक्स्ट रजिस्टेंस लगभग फिफ्टी सेवन रुपीज़ का जाएगा फ्यूचर कंज्यूमर्स के अंदर बट आई थॉट मुझे लगता है आई थिंक कि इस आ, जो फ्यूचर कंज्यूमर इसमें जो प्राइस है वो 37 से 40 रुपीज़ के बीच में आना चाहिए विच विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल ऑफ द फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक तो ये फ्यूचर कंज्यूमर की बात की थर्ड काउंटर है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यानी कि थर्ड एफ फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन आई टी सर्विसेज देता है ये बी वगैरह चलते हैं इसके आज काउंटर ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई 48 का जो बॉटम सपोर्ट है उसको मेंटेन किया काउंटर ने और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया था एफ के बारे में कि अड़तालीस रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट लेवल रहेगा अगर अड़तालीस टूटा तो वो चवालीस रुपये तैंतालीस रुपये तक जाएगा बट इसने 48 टच करने के बाद एक अच्छा रिकवर दिया आज मॉर्निंग में फोर्टी एट लेबल इस काउंटर ने टच किया था बट इसने काफ़ी अच्छी आई थिंक आज यहाँ पर हम लोग चार्ट को ज़रूर देखेंगे जी हाँ आज जो लेवल टच किया था लो था 47 का और कल आ, जो कल जो इसका लेवल था वो लगभग फोर्टी सेवन का लेवल था तो आज लगभग 48 के आसपास का लेवल इस काउंटर ने स्टार्ट किया था और उसके बाद एंड ऑफ द डे इसने काफ़ी शानदार तेजी दिखाई पूरे दिन लगभग आठ पॉइंट आठ नौ यानी एट पॉइंट एट नाइन परसेंट की तेजी के साथ काउंटर बंद हुआ है स्टॉक बहुत बेहतरीन है मुझे लगता है कि इस काउंटर को भी आपको हर डिप पर खरीदना चाहिए एक बार काउंटर लगभग फिफ्टी थ्री रुपीज़ के ऊपर क्रॉस uh, कर देगा क्लोजिंग दे देगा दैन डेफिनेटली स्टॉक फिर नेक्स्ट टारगेट 58 59 के लिए चल देगा जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा सो अनदर बेस्ट काउंटर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन जो कि लगभग फिफ्टी थ्री रुपीज इसका एक रेजिस्टेंस जो है आपका अगर फ्राइडे तक ये काउंटर फिफ्टी थ्री रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है देन डेफिनेटली ये काउंटर आगेन सेवेंटी फाइव रुपीज़ की जर्नी के लिए फिर से चल देगा और आपको जल्दी ही कुछ ही महीनों में पिछहत्तर रुपये छिहत्तर रुपये का लेबल इस काउंटर में फिर से देखने को मिलेगा फंडामेंटल तीनों ही काउंटर के चाहे वो फिनोटेक्स केमिकल्स की बात हो चाहे वो फ्यूचर कंज्यूमर्स की बात हो चाहे वो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशंस की बात हो तीनों ही काउंटर मेरे सजेस्ट किए हुए काउंटर्स हैं जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी प्रीवियसली सजेस्ट किए हुए हैं तीनों काउंटर्स में फिर मैं बैकअप दूंगा आपको फिर मैं बता रहा हूँ इन तीनों काउंटर में आप बिना पैनिक हुए हर गिरावट पर ख़रीदते रहिए होल्ड कीजिए अगले दो तीन साल अगर आपने इन काउंटर्स को रख लिया अपने पास तो डेफिनेटली उसके बाद आप इन काउंटर्स में से किसी को भी सेल नहीं करेंगे क्योंकि आप इतने बड़े मुनाफे में होंगे कि आप इन काउंटर्स को कैरी ओवर करेंगे और लंबी अवधि के लिए जिससे और बड़ा मुनाफा आपको इन काउंटर्स में मिले दोस्तों तो ये हमने बात की थ्री एफ्स की फिरोटैक्स केमिकल फ्यूचर कंज्यूमर एंड द फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन एक केमिकल एंड स्पेशलिटी सेक्टर का काउंटर है दूसरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का काउंटर और तीरा तीसरा आई टी एनेबल्ड सर्विसेज का यानी कि आपके पोर्टफोलियो में थ्री डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाएंगे दोस्तों तो ये हमने बात की तीन काउंटर्स की अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे कुछ और नए काउंटर्स के बारे में ध्यान रखिएगा समझदारी से निवेश कीजिएगा क्योंकि समझदारी से किया गया निवेश ही आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ तब तक अपना ध्यान रखिएगा नमस्कार दोस्तों